हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाई टारगेट पॉइंट। आज इस वीडियो में हम सीआरपीएफ की न्यू रिक्वायरमेंट आई हुई है उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें स्टाफ नर्स की भी रिक्रूटमेंट है। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये इसकी वेबसाइट है www.crpf.government.in। ये आपको पूरा पीडीएफ डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। हम इसकी डिटेल की बात करते हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है इसमें। इसमें पहले हम देख लेते हैं, ये जो वैकेंसी है ये टेम्परली बेस पर है, बट लाइकली टू बी बिकम परमानेंट। ये परमानेंट हो सकती है, ठीक है। इसका नोटिस देख सकते हैं आप, 20/7/2020 से स्टार्ट होगा। अभी 20 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, अभी स्टार्ट नहीं है। इसमें बहुत सारी मल्टीपल पोस्ट दी हुई हैं। इसमें स्टाफ नर्स की हम बात करते हैं, दूसरे नंबर पर दी हुई है। इसमें टोटल 175 पोस्ट हैं, जिसमें यूआर की 81 हैं जनरल वालों की, एंड ओबीसी की 40 हैं, और एससी की 26 हैं, और एसटी की 11 हैं, और ईडब्ल्यूएस की 17 हैं। इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है ये देखते हैं। 12th पास होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड एंड पास द 3.5 ईयर कोर्स इन डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। आपको जीएनएम होना चाहिए 3 ईयर का, ठीक है, एंड रिकॉग्नाइज फ्रॉम बोर्ड ऑफ काउंसिल, रजिस्टर्ड एज ए नर्स और नर्स एट मिडवाइफ विद सेंट्रल नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल। आपका सेंट्रल नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बेलो 3 ईयर रिलेक्सेबल फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट अप टू 5 ईयर, जो ऑलरेडी गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं उनके लिए 5 ईयर का इसमें रिजर्वेशन दिया है, ठीक है। और 30 ईयर से बेलो के अप्लाई कर सकते हैं, और 5 ईयर का इसमें रिलैक्सेशन है गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए, अकॉर्डिंग विद द इंस्ट्रक्शन ऑफ और इशू बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज ऑन क्लोजिंग डेट। इसकी क्लोजिंग डेट क्या रहेगी, 31/8/2020, ठीक है, 31 अगस्त तक 2020 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारा टाइम है। सबसे इम्पोर्टेंट इसका सैलरी पैकेज है, 35,400 से 1,12,400 का इसका सैलरी पैकेज है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपको सबको इसमें अप्लाई करना चाहिए। इसकी और डिटेल की बात कर लेते हैं, इसमें बहुत सारी मल्टीपल पोस्ट है। ए एन एम की भी पोस्ट है इसमें, ANM एंड मिडवाइफ की, हेड कांस्टेबल के लिए 3 पोस्ट हैं इसमें, और लेवल भी पे लेवल अच्छा है इसका, 4 लेवल का है, 25,500 से 81,100 तक है, ठीक है। इसमें भी इनका डिप्लोमा मांगा है, ए एन एम का डिप्लोमा मांगा है, और काउंसिल ऑफ नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट नर्सिंग काउंसिल ड्यूली रजिस्टर्ड विद स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडियन नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। डिज़ायरेबल 1 ईयर एक्सपीरियंस इन फील्ड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूट, बट इसमें 1 ईयर का आपका एक्सपीरियंस मांगा है हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूट का, ठीक है। उसमें एज आपकी बिटवीन 18 से 25 ईयर की एज होनी चाहिए, और आपको यहाँ पे क्लोजिंग डेट दी हुई है सर्वेंट और जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं उनके लिए 40 ईयर तक एज रखी गई है, ठीक है। इसमें मल्टीपल पोस्ट हैं, डायलिसिस टेक्नीशियन की है, एक्सरे असिस्टेंट की है, और लेबोरेटरी असिस्टेंट की है, बहुत सारी मल्टीपल पोस्ट हैं इसमें। इसमें ये देख लेते हैं, 10% वैकेंसी रिजर्व है इसमें फॉर एक्स सर्विसमैन फ्रॉम रिस्पेक्टिव कैटेगरी, ठीक है। इसमें 10% वैकेंसी रिजर्व रहेंगे जो पहले से जॉब कर रहे हैं। इसमें कैटेगरी में क्या रिलैक्सेशन दिया है ये भी देख लेते हैं, और कौन कहाँ मतलब कितने ईयर तक भर सकता है। इसमें अनरिजर्व के लिए इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है, एससी के लिए
फाइव ईयर का रिलैक्सेशन है, एसटी के लिए भी फाइव ईयर का, ओबीसी के लिए थ्री ईयर का, और एक्स सर्विसमैन जो अनरिजर्व जनरल हैं, अनरिजर्व जनरल होने चाहिए, और एक्स सर्विसमैन जो सर्विसमैन हैं उनके लिए थ्री ईयर का आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस, जो मतलब अब डिडक्ट कर चुके हैं जो मिलिट्री सर्विसेज में थे उनके लिए थ्री ईयर का इसमें रिलैक्सेशन है। फ्रेंड्स में क्या क्या हाइट वेट वगैरह ये सब मांगा है, सब जो है इसमें आप पीडीएफ में, आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिल जाएगी, इसमें आप अच्छे से पूरे इंस्ट्रक्शन जो दिए हुए हैं अच्छे से पूरे रीड करें, ठीक है। इसमें एग्जामिनेशन सेंटर देख लेते हैं, क्या क्या कौन कौन सा एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपको एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे जहाँ आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। न्यू दिल्ली, हैदराबाद, गुवाहाटी, जम्मू, प्रयागराज, अजमेर, नागपुर, मुआवजनगर एंड पलीपुरम, ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स रहेंगे। एग्जामिनेशन की क्या फ़ीस रहेगी फॉर्म फिल करने की, मेल कैंडिडेट बिलोंग टू अनरिजर्व, अनरिजर्व है वो, EWS OBC कैटेगरी का, अप्लाई फॉर रिक्वायरमेंट टू द अबव पोस्ट शुड डिपॉजिट रिस 200 रुपये, आपको 200 रुपये फिल करने हैं अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी EWS OBC में से हैं तो। ओनली फॉर ग्रुप बी, ये आपकी ग्रुप बी की नहीं है, ग्रुप सी के लिए इसको छोड़ देते हैं, इंडियन पोस्टल ऑर्डर एंड बैंक ड्राफ्ट, इसको आपको कैसे फिल करना है ये बता देते हैं। इसमें जो कैंडिडेट हैं जो पे करेंगे, फीस पे करेंगे, उनको कहाँ कैसे पे करनी है, थ्रू इंडियन पोस्टल ऑर्डर और बैंक ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ DIGP ग्रुप सेंटर CRPF भोपाल पेवल एट SBI के थ्रू पे करना है, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है आपको, देखो ये जो एप्लीकेशन है ये ऑनलाइन फॉर्म नहीं सबमिट होगा, ऑनलाइन नहीं होगी, द एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिट बाय हैंड पोस्ट, ओनली हैंड पोस्ट के थ्रू सबमिट होगी। ओपनिंग डेट आपकी एप्लीकेशन की 20 जुलाई 2020 रहेगी, क्लोजिंग डेट 31 अगस्त 2020 रहेगी, ठीक है। आपको एप्लीकेशन हैंड पोस्ट के थ्रू करना है, और कहाँ करना है ये देख लेते हैं, ये आपको जो स्टाफ नर्स का या पैरामेडिकल का है ये आपको उसके टॉप पर ये एनवलप करना है कि आप किसके लिए फॉर्म आपने फिल किया है, और द ड्यूटी फील्ड एप्लीकेशन फ्रॉम द फोटो कॉपीज ऑफ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स, सारे जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो इसमें मांगा है उसकी फ़ोटो कॉपी देनी है, और 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ देने हैं, अगर पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ नहीं होंगे तो ये फॉर्म क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है रिजेक्ट हो जाएगा अगर फ़ोटोज़ या डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होंगे, और इस एड्रेस पर आपको CRPF भोपाल विलेज बेंगरेजिया तालुंग हुजूर डिस्ट्रिक्ट भोपाल MP नंबर मध्य प्रदेश MP ये 4246204 5, ये इसका कोड है, और जो स्टाफ नर्स है उसका पोस्ट कोड 2 रहेगा इसमें, ठीक है, 2 पोस्ट कोड है इसका, इस पे आपको इस एड्रेस पर आपको ये पूरा सेंड करना है, ठीक है, पोस्ट। ये आपकी इस पे वेबसाइट दी हुई है, इस पे आप जाकर पूरी इसकी फुल डिटेल और देख सकते हैं, और सारे अच्छे से इंस्ट्रक्शन भर सकते हैं, आपको बस कुछ नहीं करना, अपनी 2 डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी लगानी है, और 2 फ़ोटो लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फ़ोटो इसमें अटैच करके, और किस लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो टॉप पर एनवलप करके इस एड्रेस पर आपको भेज देना है, ठीक है। और जो भी इसकी एग्ज़ाम डेट जो भी इसकी आएगा, एडमिट कार्ड वगैरह जो होगा वो आपको इसकी साइट पर जाएगा, इसकी साइट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, ठीक है। इसमें और देख लेते हैं क्या कितने नंबर का एग्ज़ाम होगा। फ्रेंड पहले ये हम इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, इसमें को आपको केयरफुली पढ़ लेने हैं सारे इंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये देखिए इसमें फिजिकली हैंडीकैप जो है पर्सन वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और जो आपका जो फ़ोटो आप लगाएंगे उसमें आइडेंटिटी प्रूफ ज़रूर होना चाहिए,
जो जैसे आधार कार्ड, आपका वोटर आईडी कार्ड, लाइसेंस, पैन कार्ड, ये सब आपका इससे इसके साथ होना चाहिए, फ़ोटोज़ के साथ। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जितना हो सका इसमें मैंने आपको डिटेल दे दी है, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसमें बहुत सारे और भी इंस्ट्रक्शंस हैं। ये आपको देखो यहाँ पे फॉर्म दिया हुआ है, ये भी आपको फिल करना है, ठीक है। और इसके साथ आपकी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी एंड टू पासपोर्ट साइज फ़ोटो अटैच करने हैं और कोई आईडी प्रूफ देना है, ठीक है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपको जल्दी से सारी वैकेंसी इन्फॉर्म कर सकें। थैंक यू फॉर वॉच दिस।